आपने आप ये कल का व्लॉग देखिएगा फिर। जी है बिरयानी, अच्छा डोंगो में डाली है ताकि गर्म रहे, मतलब ना पैन में ही है अच्छे से वाले सेट जो मैंने नए रखे हुए हैं ना, तो ताकि ना हर चीज गर्म रहे। ये देखें सालन, ये मैंने चिकन और आलू बनाया। अच्छा तो समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊंगा, उस टाइम की सालन और ना नहीं खाया जा रहा, मैं खाए जा रही हूं सालन और अल्लाह के साथ में बिरयानी भी है, चाउमीन भी है, रसमलाई भी है। अच्छा जन मतलब बैगुनी हां, लेकिन मलाइका रुशा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जी मैं आपके साथ दो क्लिप तो शेयर करती हूँ, दो दिन नहीं बल्कि चार दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और बस एकदम से चक्कर शुरू हो गए और फिर गई थी डॉक्टर के पास। अच्छा इमरजेंसी में गई थी, वहाँ से ड्रिप वगैरह लगवाई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन दोबारा फिर इसी तरह से गई हूँ जी, दोबारा इमरजेंसी में फिर ड्रिप्स वगैरह लगी और बस ये है कि 19-20 का फर्क पड़ा था और ड्रिप्स भी लग लग के हाथों के, ये देखना ये हालात हो गए हैं इतने ज़्यादा, अब ये जैसे वो नील पड़ जाते हैं ना ड्रिप्स लग लग के, तो इतने हाथ भी ख़राब हुए हुए हैं, इतनी इसमें पेन भी हो रही है। तो लेकिन ये है अल्लाह का शुक्र है कि आज पांचवा दिन है और आज कुछ मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा आज भी इसलिए चलें थोड़ी सी जेन दूसरी साइड पर लगा के ठीक हुई है कि राशिदा अल्हम्दुलिल्लाह अपने नए घर में शिफ्ट हो गई है और उनके लिए जी बना के लेके जाना है मुझे खाना। मैंने कहा था कि भाई आप अपनी बस तैयारियाँ वो अपनी सेटिंग वगैरह करो, तो शिफ्टिंग वगैरह करें आप सारी अपनी, तो ना मैं ना खाना बना के भेजूंगी आपके लिए, ना मैंने पहले से उससे बात की हुई थी। तो आज जी बस उठी हूँ तो आप बस नॉर्मल घर का भी आपको पता है खाना बनाना है, तो मैंने कहा चलो राजदा के लिए भी खाना बनाती हूँ। जैसे जैसे क्लिप शूट करती जाऊँगी वैसे वैसे जी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। नहीं आप ये कल का व्लॉग देखिएगा फिर। अरे इनको भी देख के पहचाना ना, ये बच्चे के साथ बैठे हुए तो मैं उनको जाकर डॉक्टर दादा को कह रहा हूँ, मैंने कहा कि देखा लग रहा है उन्हें। अल्लाह पाक खैर करेगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है हाँ बस तबीयत जी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर इसलिए मुझे इमरजेंसी में यहाँ पे न्याजी कॉम्प्लेक्स आना पड़ा और फिर ड्रिप्स वगैरह लगी। बस सजाद काफ़ी परेशान हो गए थे देख के, तो उन्होंने बाजी को कॉल की और बाजी भी आ गई थी, साथ में हिशाम भी था और बाजी काफ़ी मुझे बातें करने की और दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी कि इसका कहीं और ध्यान लगे ताकि ना ये ठीक हो जाए। अच्छा इब्राहिम आता है बार बार आके ना मुझे प्यार करके जाता है कि भाई ना मामा की तबीयत खराब है, भाई कोई मसला आया कि जो ये लेटी हुई है। दीदी की ना टिन्नो नहीं हुई हुई है, कि टिन्नो नहीं हुई हुई है, कि चोनी हुई हुई है, मेरी पॉली हुई हुई है, पॉली पॉली निकी खाली। खूबसूरत है आजकल की, बस दवाइयां शवाइयां चल रही हैं काफी, पहले मैंने कहा कुछ अपनी दवाई दारू कर लें उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करें, ये ना हो कि किचन में गिरी पड़ी हूँ। सेकंड पार्ट ना कीजिएगा, आपसे कुछ नहीं हो सकता। दवाई से काम ठीक। ये जी आता है बार बार आके मुझे प्यार करके जाता है कि भाई यार मामा को है कोई मसला, जो लेटी हुई है। मेरा काम हो या ये मदरस की ड्यूटी काम बेचारी, मुकद्दस की छुट्टियां ऐसी गुजर गई, हमने कहा था कि कहीं जाएंगे फिर टोक के आएंगे, मौसम काफी बेहतर हुआ हुआ था, मतलब धूप निकल रही थी ना इन दिनों, लेकिन ये जो कल परसों फिर बारिश हुई है फिर बहुत ज्यादा ठंड बन गई है। आमना की ना मैं आपको इंशाल्लाह राइटिंग दिखाऊंगी, माशाल्लाह इंग्लिश की इतनी प्यारी इसकी राइटिंग होगी, इतनी प्यारी। अच्छा उर्दू का
किताब भी इतना खास नहीं लिखती, लेकिन इंग्लिश की माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी राइटिंग है। जैसे बड़े नहीं लिखते, जैसे सेवंथ एट क्लास के बच्चे हैं ना, ऐसे इसकी राइटिंग है माशाल्लाह बहुत प्यारी। अभी जी बस ये पीऊँगी दूध वगैरह और उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी। किचन में अब जाके खाना बनाना शुरू करती हूँ, देखती हूँ कोई छोटे मोटे क्लिप शूट हुए नहीं तो बड़ी मुश्किल से बस खाना ही बनाना है। बिल्कुल सर नीचे झुकाया नहीं जा रहा, अच्छा बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा भी नहीं किया जा रहा, थोड़ा सा टेढ़ा करती जाती हूँ तो फिर चक्कर शुरू हो जाते हैं। मेडिसिन वगैरह भी ले रही हूँ, डाइट भी अपनी अच्छी की हुई है, बस वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिलती गई आना, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ी सी डाइट का नहीं ध्यान दिया, सारी चीज़ें मिल के तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब बस ये फिर पी के तो फिर उसके बाद किचन में करती हूँ, तो फिर जो क्लिप शूट करती हूँ फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। खाने में जी मैंने स्पेक्टी बना ली थी, चिकन आलू भी बना लिया है, वो अभी मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। ये जी मैंने बिरयानी रखी है, चिकन फ्राई कर रही हूँ और साथ ही मैं दूध के अंदर चीनी डाल के इसको करने के लिए रख दिया है। ये जी मैं बनाने जा रही थी रसमलाई, मलाइका अरुषा को रसमलाई ज़रा पसंद है तो मैंने कहा चलें उनके लिए रसमलाई बनाती हूँ, और साथ में चटनी सलाद वगैरह ये भी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी, रशियन सैलेड भी बनाया था। फिर मैं फाइनल करके ना आपको फिर वो शॉट दिखाती हूँ। ये जी रसमलाई माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, आप भी ट्राई कीजिएगा, रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं आपके साथ। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी कंप्लीट हो गया है, असल में तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर सकी हूँ। तो ये जी रशियन सैलेड बनाया है, साथ ही में ये मिंट सॉस बनाई है फ्रेश, अच्छा रसमलाई बनाई है क्योंकि मलाइका अरुषा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये साथ में जी सैलेड बनाया है, और ये जी है बिरयानी, अच्छा डोंगों में डाली है ताकि गर्म रहे, मतलब ना पैन में ही है अच्छे से वाले सेट जो मैंने नए रखे हुए हैं ना, तो ताकि ना हर चीज़ गर्म रहे। ये देखें सालन, ये मैंने चिकन और आलू बनाया, और साथ में ये जी बनाई है स्पैगेटी, ठीक है ये भी बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, जब कुछ कुछ नहीं होता चलें फ़ौरन से केचप वगैरह डाली और फ़ौरन से खा लिया। बस ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब बस इन्हें रखूँगी गाड़ी में और मलिक साहब आते हैं तो फिर जाके रास्ता की तरफ देख के आएंगे, वहाँ जाके ना फिर इंशाल्लाह मैं क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चों को भी साथ ले आते, ये भी ओपन करें ना, नहीं तो इधर मैंने कहा पता नहीं की हालात, मैंने कहा एक दो, मैंने कहा एक दो दिनों में जरा सेट हो जाना तो फिर नीचे वाला सही सेट कर लो ना फिर ऊपर वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं तो खुद ही हर बाइक से दूर चक्कर मार के, आप तो नींद आ गई थी, मैं इधर को रात को इधर ही सो जाना सर, अंदर मैट्रेस पे इधर है, मेरे को इधर ही सो लेकिन मलाइका अरुषा अपनी मर्जी की पसंद की चीज है। कोई रेडी वाला नहीं आया, वो बशीर मुझे कह रहे थे यहाँ पे कोई सब्जी वाला नहीं आता, मैं क्या है मैंने कहा वो सब कुछ बन गया, वो यहाँ पे कोई बैगस भी नहीं आता यहाँ पे रेडी वाला, कोई नहीं तुसी इकट्ठा ले आओगे इम्तियाज, तो इधर ना गाजर वाले नहीं आते, गाजर वाले नहीं आते, इधर बड़े बूढ़े लोग नहीं आते, हां भी यार इधर अच्छे-अच्छे लोग, वो इनको पता ही नहीं चला। बच्चों को जी मैं साथ नहीं लेकर आई थी क्योंकि आप हालात देख रहे हैं, हर चीज़ इधर उधर बिखरी हुई थी, तो मैं कहती थी कि कोई ना नुकसान ना हो, कोई चीज़ मतलब कि बच्चे ख़राब ना करें, और खाना सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, सबकी पसंद की चीज़ें बनी हुई थी। अच्छा मैं चेयर पर इसलिए बैठी हुई थी कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा चक्कर थे कि सर बिल्कुल भी नीचे नहीं था, नीचे बैठा नहीं था जा रहा मेरे से ना, तो मैं फिर चेयर पे साइड पे बैठ गई थी क्योंकि मैंने इतना खाना भी नहीं था खाना खाने को दिल ही नहीं था कर रहा। मलाइका अरुषा जी चाय भी बना के ले आई थी और मलिक साहब ने कहा था बस अब चाय पीते हैं तो फिर निकलते हैं, राजदा ने कहा कि बर्तन लेते जाइएगा और सारे उसने बर्तन वो खाली कर रही थी, और ये जी घर के हालात हैं, इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग हो ही जाएगी।
खाना माशाल्लाह सबको बहुत ज्यादा पसंद आया और राजा की तरफ गए थे, छोटे मोटे क्लिप आपके साथ शेयर किए हैं, उनकी हर चीज बिक रही थी क्योंकि वो सेटिंग कर रहे थे, काफी ऊपर वाले पोर्शन की उन्होंने काफी सेटिंग बता रही थी कि कर ली थी, लेकिन वही बात है मुझे चक्कर आ रहे थे तो यकीन करें ना मेरे से ऊपर मैं जा सकी और ना बस यही है कि मुश्किल से मैंने खाना वगैरह बनाया और मैं सिर्फ लेकर गई हूँ। मैंने कहा चलें वो अपना शिफ्टिंग में मसरूफ़ हैं तो चलें खाने वगैरह का उनको किचन का इतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो चलें उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप एक दो दिनों तक दोबारा हम जाएंगे, ज़रा वो सेट हो जाए। मैंने तो कहा है कि अगर शिफ्टिंग के लिए भी कोई हेल्प वगैरह आपको चाहिए तो आप लाजमी बताइएगा, तो मुकद्दस आ जाएगी या मैं आ जाऊंगी क्योंकि मुकद्दस के भी पेपर अब खत्म हो गए हैं, तो कह रही थी कि इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन काफी अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी काम खत्म हो गया है और मुकद्दस के भी पेपर खत्म हो गए हैं। तो चलें उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।